जैसे जैसे गर्मी का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पानी की समस्या भी सामने आने लगी है। जी हाँ, बात करें राजस्थान के बाड़मेर की तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में लोग आजादी के इतने सालों बाद भी पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो पानी की समस्या को लेकर लोगों का कैमरे पर दर्द छलक पड़ा और उन्होंने पानी को लेकर होने वाली समस्याएं बताई। बताया जा रहा है कि यहाँ के कई लोग किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। समाचार एक्सप्रेस टीम आज भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव में पहुंची है। यहां लोगों को सबसे बड़ी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां सरकार की तरफ से कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। हम यहां के लोगों से इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पानी को लेकर क्या क्या समस्या है, उनको किस तरीके से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में। यहाँ हमारे यहाँ पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएँ हैं। हम यहाँ पर वर्षा होती है तभी पानी नसीब होता है, बाकी 8-9 महीने हमारे को यहाँ पर पानी नसीब नहीं होता है। और हम यहाँ पर टैंकरों से पानी डलवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है और यहाँ पर सरकार की तरफ से हमारे कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और पानी आप यहाँ मतलब ये पशुओं पर पानी कितनी दूर तक ले जाते हो, किस किस पशु को ले जाते हो? हम गधों से ऊँट से पानी लाते हैं, यहाँ से 8-10 किलोमीटर यहाँ दूर है पानी की व्यवस्था है कोई, वहाँ से लाते हैं, बहुत समय लगता है। सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिली है पानी के लिए? पानी से संबंधित कोई हमारे को यहाँ पर सुविधा नहीं है। अब सवाल ये है कि आजादी के इतने सालों बाद भी यहाँ के लोग पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन लोगों को पानी की समस्या से कब तक निजात दिलाता है।